और इसका जो साउंड थोड़ा सा सुना देता हूँ, दिस इज़ द साउंड ऑफ माई बाइक। बाइक तो अच्छा है बिकॉज होंडा का बाइक है, बहुत ही अच्छा एक ब्रांडेड बाइक है, बट जो सेल्स आफ्टर सर्विस है आज से 7 महीने पहले मैंने खरीदा था एक बाइक, पर बाइक खरीदने के बाद यकीन मानिए जस्ट पूरा फंस चुका हूं। तो पहले चलो दिखाता हूं कौन सा है वो बाइक। सो दोस्तों, दिस इज़ माई बाइक होंडा एक्स ब्लेड जो मैंने ख़रीदा था आज से 7 महीने पहले, मतलब जनवरी में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, बाइक तो अच्छा खासा है, एकदम ब्रांड न्यू बाइक जो मैंने ख़रीदा था यूट्यूब के पैसे से। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इस टॉपिक के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, 7 महीना हो चुका है, तो आई गॉट द नंबर, मीन्स नंबर मुझको मिल चुका है, दिस इज़ द नंबर रिटर्न ओवर हियर, बट द प्रॉब्लम है नंबर प्लेट अभी तक नहीं आया है। तो बार बार मैं हर 2-3 दिन बाद मैं शोरूम में कॉल कर रहा हूँ, वो लोग मुझको जस्ट घुमा रहे, आज नहीं, 10 दिन बाद, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद, दे आर गिविंग 20 ऑफ एक्सक्यूजेस, बट आई एम नॉट गेटिंग द नंबर प्लेट ऑफ माई बाइक। और विदाउट नंबर प्लेट ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है, आप बाइक लेकर कहीं हाईवे पे जाओ, कहीं पर आप मोटो ब्लॉक करने जाओ, बिकॉज जाओगे तो आज बी कॉट। और जो मैंने नंबर मैंने लिखा है दैट इज़ बाई द मार्कर, मैं घर में ही, मेरा 2 एक्स्ट्रा प्लेट था मेरा पापा का बाइक का, पिछले वाला बाइक का, उसको लगाकर मैंने स्केच पेन से जस्ट लगा लिख दिया हूँ नंबर लोकल चलाने के लिए। जस्ट सोचिए 7 महीना हो चुका है, अभी भी बाइक का नंबर प्लेट नहीं आया है, तो क्या लगता है हम लोग पैसे इतना खर्च करके, 1,10,000 अराउंड मैंने खर्चा किया था फॉर दिस बाइक, और उसके बाद भी मैं बाइक को लेकर बाहर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, मेन रोड में नहीं जा सकता, सिटी में नहीं जा सकता, टाउन में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जाऊँगा तो पुलिस पकड़ लेगा, फाइन कर देगा, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम गाइस दैट आई एम फेसिंग। यहाँ पर देखो जो नंबर प्लेट मैंने लगाया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अचानक से देख कर तो पता नहीं चलेगा, एक्चुअल नंबर WB26BH6195 है, बट जब आप करीब से देखोगे आपको पता चलेगा ये पूरा मैंने वाइट बोर्ड मार्कर से जस्ट हाथ से मैंने लिखा है, सो इसका कोई वैल्यू ही तो नहीं है। येस, आई गॉट द नंबर का जो बेसिक जो पेपर्स है दैट आई गॉट इट, बट ब्लू बुक अभी तक नहीं आया है। ब्लू मैंने बोला था ब्लू बुक का बारे में, तो ब्लू बुक के बारे में से बोला, जब तक आपका नंबर प्लेट नहीं लग जाता तब तक आपको ब्लू बुक नहीं मिल सकता है। जस्ट सोचिए व्हाट द जनवरी महीने में जब मैं बाइक खरीदने के लिए गया था, तब शोरूम से मुझको बोला गया था गाइस 22 से 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर यू विल गेट योर बाइक का नंबर, बाइक का नंबर आ जाता है, यूजुअली ऐसा ही होता है। ये मेरा पहला बाइक नहीं है, दिस इज़ माय 5th बाइक। मैं पहला जो बाइक चला था दैट वाज़ द हीरो का, सॉरी हीरो होंडा का हंक, उसके बाद CBZ, उसके बाद जस्ट लाइक कौन सा बाइक था, पल्सर था, उसके बाद इग्नाइटर था, और दिस इज़ द 5th बाइक ऑफ माइन। तो दिस इज़ माई 5th बाइक, और पहला सभी जो बाइक मैंने खरीदा था मैं डायरेक्टली बाइक के शोरूम से खरीदा, मीन्स वो बाइक का जो होंडा का शोरूम से, बजाज के शोरूम से, पर कुछ ऐसा भी शोरूम होता है जो एक्चुअली पेटेंट शोरूम नहीं होते हैं, वहाँ पर सभी कंपनी का बाइक वो लोग रखते हैं दुकान से, बाइक का जो दुकान से। तो मैंने ख़रीदा फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम ख़रीदने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, पहले तो झूठ बोला, 1-1.5 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर वो लोग नंबर प्लेट दे देगा, उन लोगों ने नहीं दिया। सेकेंडली झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख, सनी देओल का जो फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, आई एम गेटिंग द तारीख पे तारीख टू गेट माई नंबर प्लेट ओवर हियर। एंड सेकेंडली या थर्डली जो प्रॉब्लम है, उन लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, जब भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो लोग डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, क्यों आप बार बार फ़ोन करो, बोल तो दिया है आप जब आपका नंबर प्लेट आ जाएगा, ये हम लोगों का कंट्रोल में नहीं है, तो जब आज आपको फ़ोन किया जाएगा, आप हर
दो तीन दिन बाद आप क्यों कॉल कर दो। बट मैंने बोला भाई मैंने पैसा दिया है यार, 1,10,000 कम नहीं है, मेगा मिडिल क्लास फैमिली पर्सन, तो मैंने पैसा दिया है तो मुझको नंबर प्लेट तो चाहिए चाहिए। बट अभी तक, आज तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक आई हैवन गॉट एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी बाइक खरीदना आप किसी बड़े शोरूम से खरीदो, कोई बाइक का दुकान से मत खरीदो। किसी भी जो भी ब्रांड आप खरीदना है, 500,000-2,000 रुपये ज़्यादा लगता है ड्यूटी की शोरूम से खरीदने से, बट दैट इज़ मच बेटर, बिकॉज उन लोगों के पास जो एडवांस फैसिलिटीज़ होते हैं वो लोकल बाइक के दुकान में वो सब नहीं होता है। RTO से भी कनेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, इन लोग सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं पाते, क्योंकि छोटे दुकान है। हम लोग पैसा 500,000 रुपये बचाने के लिए जाते हैं, बट देखो मेरे साथ क्या हुआ, 6-7 महीने से मुझको बाइक का नंबर नहीं मिल रहा है। सो आई हैव अ ह्यूज प्लान, बिकॉज बाइक का नंबर मिलने के बाद आई एम गोइंग टू बाई अ GoPro। GoPro खरीदने के बाद मुझको कुछ फोटो ब्लॉग भी शूट करना है, बट इसके लिए आई एम जस्ट अनएबल टू डू ऑल दिस स्टफ्स। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, जो आप लोगों के साथ शेयर करना था मैंने तो शेयर कर दिया। सो दोस्तों बाइक को चलिए स्टार्ट कर देता हूँ, और इसका जो साउंड थोड़ा सा सुना देता हूँ। दिस इज़ द साउंड ऑफ माई बाइक। बाइक तो अच्छा है, बिकॉज हुंडा का बाइक है, बहुत ही अच्छा एक ब्रांडेड बाइक है, बट जो सेल्स आफ्टर सर्विस है, बाइक सेल करने के लिए तो कुछ भी वो लोग बोल देते हैं, वो लोग ने जम कर लिया, बट सेल के बाद जो सर्विस होता है, दैट इज जस्ट फक्ड अप मैन। आई हैव बीन सफरिंग अ लॉट। तो मैं नहीं चाहता आपने के कोई अगर बाइक खरीदने के लिए प्लान कर रहे हो, कोई छोटे मोटे दुकान से मत खरीदो, डायरेक्टली जो पेटेंट शोरूम्स है जो बाइक का, वहाँ से ही खरीदना। नमस्ते दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।